औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुज्तबा अहमद मुस्तफ़ा व तैयतु सना सल्लल्लाहु अलैहि वालि वसल्लम पर और आपकी आल पर। या रसूल अल्लाह, मैं अपने तमाम देखने वाले चाहने वाले तमाम अहले शौक पाकिस्तान, अहले शौक पंजाब और बिलउमूम शहर इकबाल सियालकोट से तलक रखने वाले जितने भी अहले शौक हैं इस ज़िला से, इस डिवीज़न से जितने भी दोस्त अहबाब हैं उनकी खिदमत में दोस्तों, सियालकोट का बड़ा मशहूर कस्बा दरिया बदर, वहाँ से मैं बराह रास्त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे साथ आप देख रहे हैं उस्ताद मलकरात अवान, जो कि मैं ये समझता हूँ, ये नहीं है कि मैं अक्सर एक बात को बार बार करता हूँ, लोग भी कहते होंगे लेकिन लाला जी आपको अपने पे एतमाद नहीं है, हालांकि एतमाद वाली बात नहीं है कि ये नहीं कि मैं अपनी इस बरादरी में खड़ा हूँ, अपने इन भाइयों में खड़ा हूँ। मलकरात अवान ने अनमोल ग्रुप को उसको आगे ले जाने में और बहुत सारे मामलात ऐसे थे कि उनको सुलझाने में उस्ताद मलकरात अवान का बड़ा अमल दखल है, और इनके साथ इनके साथी सरपरस्ती इनकी उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया साहब कर रहे हैं, उस्ताद राजा बाबू मुदसर साहब, खलीफा हसन पाबिला हैं, और भी उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया के शागिर्द आप एहसान जट है, ये बहुत सारे दोस्त हैं बाप जिनके नाम मुझे याद नहीं है, तारक भट्टी हैं, बड़ा एक पुराना बड़ा दरीना साथ है उनका। तो दोस्तों आलिया स्वज 2023 में मैं समझता हूँ कि अनमोल ग्रुप की पहचान जो है वो शहर इकबाल से इनके ये कबूतर भी बने हैं, और ये नहीं जेठ में इन्होंने अपनी कारकर्दगी के हवाले से बात की कि हमसे कोई नेगलिजेंसी ऐसे मामलात हुए कि हम जेठ में वो कारकर्दगी ना कर सके, मगर असवज में आके आपने देखा कि तीन शतों ने शहर सियालकोट के तकरीबन तमाम बड़े टूर्नामेंटों में पार्टिसिपेट भी किया, और उसमें नमाया पोजीशन है, और जिसमें खसूसी तौर पे मैं आज हमारा वो भाई हमें मौजूद नहीं है, मैं मलक बरादरान को खलीफा मलक हसन आप ममारा मलका दुबई में है, उन्होंने जो सबसे बड़ा बैगा इवेंट था चैंपियन सियालकोट स्काई किंग का अवार्ड उन्होंने अपने नाम किया, बाकी भी टूर्नामेंट थे, मलक साहब की छत भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही थी। तो दोस्तों मलक बरादरान का, हनमोल ग्रुप के तमाम दोस्तों का शुक्रिया हम अदा करते हैं। तो हम अगले सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं, तमाम दोस्त जब आप देख रहे हैं ये सारे इनके हाथों में उड़ने वाले जो कबूतर हैं इन्होंने थामे हुए हैं, हमने इंशाल्लाह आपको एक एक कबूतर का शौक भी करवाना है। तो थोड़ी देर पहले मलक साहब के छोटे भाई हैं तो वो आए, उन्होंने तारफ करवाया मलक शुजात, तो कहने लगे लाला जी ये हमसे बागी हैं, तो मैं एकदम चुकन्ना हुआ, मैंने कहा बागी होने से मुराद तो और बड़े मामलात हैं। तो एक शौक का हवाला था उस बात के पीछे कि शौक के हवाले से ये एक हमारा भाई है कि इससे जो है इस परिंदे से इतना पे। बाकी तक तुम जिन जिन लोगों को उन्होंने नाम लिए अपने चचा हैं उनके भाई हैं उनके, मतलब एक विरासती एक सिलसिला है उनमें। शुजात जी की हाल ने जी अल्लाह शुक्र ना, तो फिर तुहानू कई शुगल है जिम्मेदारी जिम्मेदारी बस जड़ी कार दे दित्ती है नी कार ले जिम्मेदारी तो मुराद मतलब है अपाशी जी जिम्मेदारा कर दे जे आपू जी। अच्छा ते माशाल्लाह मकाना दी तैयारी करवान दे जे। अच्छा। दुआ कोठियां दी। अच्छा। ते बस ओथे बिजी है ओदे हैंड ओवर कीतियां ने। पता है भी शौक है तुहाडा थानू इस गल दा पता है इस गल दा मतलब जिंदगी दा ही नहीं कि ने कबूतरां नाल शौक करदे ने जिहड़ा जिस मकाम ते ओ भी तुहाडा शौक है इट्टां अच्छियां लगनियां चाहीदियां ने मयारी लगनियां चाहीदियां ने कोठे का कन खड़ला सही होना चाहिए ये शौक है ना शौक नाल नहीं करो दे सुटे रहो दे घर दे पीछे मिस्त्री भी अपनी दिहाड़ ला के टोल यही कबूतरबाजी से भी यही हाल है माशाल्लाह अल्लाह पाक तुहानू फलदे फुलदे रहो और अल्लाह पाक तुहानू और इतफाक और इताअत जिहड़ी मैनू सब तो वड्डी गल है अपनी इस फैमिली जाके मैं मैनू जिहड़ी सब तो वड्डी खुशी है कि दस्तरखान दी अल्लाह पाक ने बड़ी फजीलत रखी है और इंशाल्लाह इतफाक नू कदी भी काटे नहीं होए ये साड़ा ईमान है अल्लाह तुहानू अगों भी सुरखरू करे ते तुसां सानू जॉइन कीता है बर्दाश्त कीता है साढ़े जाके खलोते हो तो तुहाडा शौक है ये मेरा इन्हां भरावां दा ते कोई की आखो दे शौक दे बारे किस तरह वेखदे हो कोई तंग तुंग नहीं पे कदी नहीं तंग नहीं पे अच्छा क्योंकि ना वड्डा होण दी नाते या मेरा मतलब वड्डे भाई ने ओ ते है ने ओ ते रिस्पेक्ट आपकी जगह जेड़ा ना भाई यारां दा शौक है अच्छा ते अलहमदुल्ला असीं हर टाइम इन्हां लई दुआ गोवां अल्लाह पाक
तो वही सपोर्ट करते हैं। तो अस फैमिली टोटल नो वही सपोर्ट करते हैं अलहमदुल्ला। बस वह कमाते ने हाँ जी असी खाने हैं तो किसी चीज़ की उन्हें कमी नहीं आन दी अलहमदुल्ला जी। बड़ी मेहरबानी मलिक जी। तो दोस्तों मलिक शुजात साहब इसी तरह तुराब है, किधर है वो, किधर है तुराब चाह बना? ये देखें दोस्तों भाई छोटा है तुराब भाई, हालांकि उस बच्चे को सामने होना चाहिए। मैं अक्सर एक गुमनाम सुनाऊंगा, बाद में बीच में बातें होंगी इंशाल्लाह। तो मलिक साहब के हाथ में उड़ने वाला उनका ये स्कॉड है, ये जितने भी कबूतर आप देख रहे हैं, हम आपको एक एक कबूतरों का शौक भी करवाएंगे, मलिक साहब को आपको बताएंगे भी। इधर आओ, तो दोस्तों ये दोनों भाइयों में कोई फर्क कोई नजर आता है? कोई फर्क मुझे तो नजर आ रहा है, पता नहीं आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं भी ठंडी मशीन में बैठने वाला हूँ, नीचे साए के बैठ के पूछना टेलीफोन पे क्या हाल है, कितने बैठ गए हैं, कितने ऊपर हैं, हवा चल रही है नहीं चल रही है। और जो लोग उन थपेड़ों के नीचे होते हैं, सूरज की किरणों के नीचे होते हैं, वो ये आप देख लें, बड़ा थोड़ा सा आपको फर्क नजर आ रहा होगा। तो दोस्तों मैं समझता हूँ ये इन्हीं लोगों की मेहनत होती है और रहनुमाई पीछे जरूर होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मेहनत करने वाले बेगार करें, मेहनत उस तरह ना करें उस मायार के मुताबिक, तो मैं समझता हूँ कि वो रिजल्ट जो है मिलने मुश्किल हैं। तो राब भाई हैं, इनके साथ एक और बच्चा भी है, वो हंस रहा है, ये सिपाही हैं इनके, माशाल्लाह इनको मैं ज्यादा क्रेडिट दूंगा कि इन्हीं की मेहनत, दिन रात कबूतरों की देखभाल। ये भी मलिक साहब के अजीज हैं छोटे, क्या नाम है आपका? समीर आदर। समीर आदर जी, मतलब जी तुसी भी टूर्नामेंट दे दिन च इत्थे ही हुंदे हो? हां जी, इत्थे। अच्छा अच्छा, टूर्नामेंट दे दिन च माजरत नाल इत्थे ही हुंदा है, लेकिन जेड़ा जोड़े जेड़ा जोड़ियां दा सिस्टम है ना, वो सारा इहदे हैंडओवर है। अच्छा, उत्थे कार दा कम से कम 3 घंटे ने ड्यूटी देनी है सुबह उठ के। अच्छा, कि उन्हां दी सफाई, उन्हां दा सिस्टम सीधा पता देखना, कोई मरीज तो नहीं, कोई दवाई दारू अगे पिछे, टोटल उहदे हैंडओवर है। जोड़ियां दा सारा सिस्टम उन्हें करना है, उड़ान वाले कबूतरां दा सिस्टम इन्हां दोनों ने करना है। तो आइए दोस्तों बिला तखीर, मैं समझता हूँ जाहिर है कि एक टीम वर्क है ये, कि जाहिर है जिस वक्त आप मास पे होते हैं आपको असले की ज़रूरत होती है, राशन की ज़रूरत होती है, राशन का भी अल्लाह का फजल है। कबूतरों की अगर मैं बात करूँ स्टफ़ के हवाले से, ये असले के हवाले से, तो वो भी इन्हें कोई कमियाँ नहीं है। तो आइए दोस्तों मैं मलिक रात अवान साहब से मुल्तमिस हूँ, मैं भी थोड़ी सी रेस्ट करूँगा, दवाई भी खानी है। ये आपको आज आपने उड़ने वाले स्कॉट का 2023 का वो शौक करवाने जा रहे हैं, फिर कुछ उनके ब्रीडर कबूतर हैं, और आखिर में जो कबूतर आप देखेंगे तो कुछ मेमे आपको नजर आएंगी माशाल्लाह। मैं तो अक्सर ऐसे कबूतरों को मेमो वाला कलर है उनका, बड़े खूबसूरत कबूतर, लाखा उनके घर की अपनी तैयार करदा ब्रीड। तो मलिक साहब आप जाएं एक एक करके, चलो जी लाला जी बैठो, इजी होवे कर लेने माशाल्लाह। जिन्ने भी भैन भरा निकलदे ने ना, जिथे भी असां भेजे ने दोस्तां नूं अहबाबां नूं या अपने कोल जिथे असीं वडाने पए आं, इन्हां दे आउट क्लास रिजल्ट ने। इह जेठ भी साडे कोल उड्डे ने, अस्सू दे विच भी साडे कोल उड्डे ने, माशाल्लाह नेरियां दे मास्टर ने। हुण तां इहनां दी मत वज्जी विचारियां दी, तुहानूं पता है कि टूर्नामेंट उड्डिया सी जी जी भाजी, पंजे दिन साढ़े छे तो पार बैठा शुक्र।
ये ठीक हो गया। हाँ जी ए कड़े मतलब सर कबूतर ए साढ़े घर की ब्रीड है शाहजोर। अच्छा शाहजोर जी ए मैं ही इन्हों ना दिता है ते बहुत पुरानी है तकरीबन 15-16 साल तो चलती आँदी भी साढ़े घर के ठीक हो गया। बड़े आउट क्लास रिजल्ट ने इन्हों शाहजोर आते इन्हों भी उ जिते जिते भेजे ने या अपने को भी जो बच्चा निकलना है उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस करना है। यह भी 6 तो पार ही 5 दिन बैठा है। अच्छी परफॉर्मेंस है जी 5 दिन ही 6 तो पार बैठा ठीक है। बड़ा अच्छा रिजल्ट है भी आया। हाँ दोस्तों ये कुंदा चेक करें देखिए माशाल्लाह कुंदा जबरदस्त जी अखदा शौक ठीक हो गया। यह भी शाहजोर पट्टी है ब्लड एक ही है उसका माँ बाप हो रहे ऐदा हो रहे ठीक है ठीक है ब्लड पिछे जड़ा है ना वो एक ही आ रहा है। जिस दिन पहले दिन दो कबूतर थोड़ा लड़ला आ गया ना या फिर अगू दूसरे दिन पाई सी ठीक हो गया। ऐसा भी सारिया परवाजें नेरे दी चार दिन नेरे की बैठी है ठीक है। अच्छी परफॉर्मेंस है जी माशाल्लाह जी दम देखो यदि जबरदस्त माशाल्लाह जी ठीक हाँ जी अगे 22 नंबर का शौक करवाया थानू जी जी लाइव ए माशाल्लाह उदा भरा वे छोटा ठीक है। असं पाया सी जिस दिन कबूतर साढ़े नू उल्लू मारने साढ़े घर आई ना तीसरे दिन तीसरे दिन तो बाद फिर तो कबूतर बैठ रहे सी बैठ रहे सवा सात बजे लाखा कबूतर तो नौ भी बहाने वो बहंदा सी तो फिर ओवर टाइम हो गया 10:30 बजे बैठा बाद उसकी जगह तो फिर यह पाया सी यह भी दोनों दिन ही अंधेरे बैठा बाद च माशाल्लाह ठीक है। अख इन्हों की बहुत प्यारी है क्रीचे पे ने कबूतर हूं ना इन्हों की जी उम्र है ना वो एक एक साल हुई है ठीक है। इन्होंने दिनों च असं लिया के सुटे सन घरों से चार भरा सुटे सन है माशाला चार ही साढ़े को ठीक हो गया। जेठ भी उड़े ने असू भी उड़ गए जी ये लाखा ब्रीड है ऐ वो कबूतर है जेड़ा 7:15 बजे शाम नू बहंदा सी पिया तैनू उल्लू पिया डरद फिर समान चला गया फायर निकलिया ना डरद समान चला गया राती फिर 10:30 बजे पर इन्हों पुराने हो गए ने
असन मलिक साहब वेख रहे ने उठे ने लड़ा जी 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 कोशिश करना पे लाला जी हो सकता कि साड़ी मुलाकात होए मलिक हसन साहब नाल उत्थे मैं और उस्ताद सलाहुद्दीन शहरिया साहब काफी देर तो प्रोग्राम बनाने पे हैं तो प्रोग्राम साड़ा नजदीक लगा है हुण देखो इंशाल्लाह विजिट करांगे मलिक घर कोल दुबई का ये 31 नंबर पठा घर का सही ए प्यो फिरोजपुरी अच्छा मां ठीक है ए किस दिन पाया थी? दूसरी फड़क दूसरी फड़क तो बाद एदिया में टोटल फड़का ने रह दिया साड़ा एक कबूतर बहिंदा सी सूरज दी रोशनी च ते बाकी कबूतर मगरब तो बाद ही बहिंदे हन असू दे विच सिर्फ थोड़ी जी है जिहड़ी होया ना मिसहैप होया साड़े नाल उहदी वजह तो थोड़ा जिहा ना ठीक लड़ो लै गया सानू बाकी ओवरऑल माशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आया फिर ए वो कबूतर है कि जिदियां सारियां टोटल परवाजा ना मोरा तो पहले टोटल परवाजा नेरे दियां सन ठीक है जिस दिन कबूतर पहले दिन दो कबूतर चुके गए ना इलड़ लग गया लगड़ जिन्हों बोल दें ए कबूतर दोनों टाइम कबूतर के नाल से उस तो बाद कबूतर डरिया डर के इन्हें परवाज अपनी वो की नहीं समान ही नहीं गया को चिड़ी भी लंघ दी तो इंज हों जी मैंने गोली लग डर गया एदा ना था रखिया सी एफ सोला ही काम करता है स्पीड नाल ही उड़ना भावें पांच घंटे उड़े तो भावें छे मोरां दे विच डरन तो बाद पहले एदियां परवाजा जिहड़ियां सारियां नेरे दियां नेरे दा ही मास्टर सी सारे कबूतर माशाल्लाह नेरे दे लगे हुए कबूतर ने साडे दोस्तों ये आप नजर आ रहे हैं आपका माशाल्लाह ये स्काइट मलिक साहब का माशाल्लाह बड़े अच्छे रिजल्ट ने इन्हां दे जिहड़े 22 नंबर भी वेखदे हो ना पे हां जी ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਯਾਨੀ ਉਸੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਡੈਡੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਰੇ
ठीक है, चलो एक दो खड़ा शो करा। जनाब ये मैनू मस्कत कबूतर आया। अच्छा टैडी, असी तो चौधरी सही साहब वाला कहने टैडी। ठीक है, मादी जी मैं एक दोस्त ने भेजी है लाहौरों। ठीक है, मादी है मेहर साहब वाले, मेहर साहब वाले टैडी ने छापदार सही उन्होंने मादी है कबूतर जो सही साहब वाला अगू उन्होंने पट्ठिया पट्ठे ने माशाला साढ़े को बहुत अच्छा रिजल्ट है, आउट क्लास रिजल्ट है इन्होंने। जिरकान रखे आंदे ना वो बन गया। ठीक, कुछ पट्ठे ने बेच समय रे आ गया बहुत पॉइंट तो सीधा लेकिन मैर आली मैदी लाई थी जेड़ी मादी है ना मियां नजीर साहब दे घर दे सलारे टायर इन्हों जिन्हों भी असा गोल्डन च पाने ना या बटेरिया इन्हों का रिजल्ट जरा ना खुद भी जैनुइन भी बढ़ाए ने असा दसिया 22 नंबर पट्ठे जड़े सही वो ऐसे ब्रीड च होने जैनुइन बड़े अच्छे उड्डे ने लेकिन जो असं क्रासा च करने तो मजीद बेहतरी रिजल्ट अच्छे ने माशाल्लाह। लास्ट वाला 22 नंबर मोहरां जुड़िया है। ठीक है, सही
ठीक है, शाहजोर शाहजोर सही। शाहजोरां दा बेसिकली कलर सी ना वो है ही सी ठीक है, लेकिन उन्होंने हाथ जड़ी है ना वो समझ लो कि सियालकोट की थी। शो कराओ ना एक उत्तर फड़ो मकाना शो तुम्हें हिस्टरी दस दिया क्वालिटी इन्होंने है वे कि अगर तुम इन्हों टैडी कबूतर लाओगे सियालकोटी शाहजोर ठीक है वो बच्चे टैडी बनाएगा ठीक है, अगर तुम गोल्डन के नाल लाओगे ना तो बच्चे गोल्डन बनाएगा यानी वो अपने ते बच्चे लैके नहीं जाते कलर जरा ना जो नाल टच देने असं कलर वो कर जाते हैं ब्लड में शाहजोर हों को बहुत आउट क्लास रिजल्ट जाने पाँच दोस्तों ये मलिक साहब की शाहजोर ब्रीड है शाहजोर कुंदे का शौक है। हाँ जी दोस्तों कुंदा चेक करें माशाल्लाह जबरदस्त जी ये पहलियाँ चलिया यानी दूसरा धाका हूँ जरा साफ करता एक दफ़ा झाड़ चुके दूसरी दफा नहीं और ना बाद ना छापदार हो जाना ये पूरा पता पता जी मतलब सब कड़ा जी अभी शाहजोर गोल्डन ठीक है टोटल अस शाहजोर ही रखे हैं ठीक
ਪੰਜੀ ਨੰਬਰ ਸਲਾਰਾ ਪੱਠਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤੇ ਪਿਆ ਐ ਵੀ ਸਲਾਰਾ ਐ ਚਵੀ ਨੰਬਰ ਮਾਰ ਦੇ ਪੰਜੀ ਆਜੋ ਬਾਰਾ ਫੁਰਬਾ ਆ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਜੋ ਚਾਹੀ ਸਭ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਲਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਲਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਮ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਇੰਝ ਹੀ ਗੱਲ ਲੈਣਾ ਮੇਮ ਲਾਲੇ ਰਾਣੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਸਲਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਕਮੱਗਰ ਸਲਾਰੇ ਸਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਘਰ ਕਰੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਰੀਡ ਕਮੱਗਰ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਡਨ ਕਮੱਗਰ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਰੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਕਲਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਕਲਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਅਗਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਇਹ ਪੱਠਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਅਸਾਂ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸਲਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਬੂਤਰ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੱਠੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਕਬੂਤਰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਖੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਸਲਾਹਉਦੀਨ ਸ਼ਾਹਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੱਠੀ ਔਰ ਪੱਠਾ ਆਏ ਸਨ 24 ਨੰਬਰ ਇਹ ਕੋਈ 24 ਨੰਬਰ ਬਰੀਡ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਸਲਾਹਉਦੀਨ ਸ਼ਾਹਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜੈਨੂਅਨ ਲਾਖੇ ਵੀ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਸਲਾਰੇ ਵੀ ਉੱਡਦੇ ਕਲਰ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਲਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬਰੀਡ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਰੇ ਟੈਪ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਲਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੱਠੀਆਂ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਜੋੜਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਮੇਂ ਫੜ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਪੱਠਾ ਫੜਾ ਦੇ ਪੱਠੀ ਪੱਠਾ ਫੜ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਇੱਧਰ ਔਰ ਭਾਈ ਜਾਨ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਸਲਾਹਉਦੀਨ ਸ਼ਾਹਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਜੈਨੂਅਨ ਬਰੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 24 ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਪੱਠਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਹਕੀਮ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਲੱਖੀਆਂ ਮਾਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅਸਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਸਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੱਠੇ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੱਠਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ 4 ਤੋਂ 5 ਪੱਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਪੱਠੀਆਂ ਨੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਠੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਲਾਲ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਲਾਲ ਪੱਠੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ ਬਾਕੀ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਲਾਲ ਪੱਠਾ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹਕੀਮ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਲ ਪੱਠੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ ਹੋਰ ਫੜ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਵਧਾ ਘਟਾ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ
ऐसा फट के सामने रखो, दीवार में ना रखो ना, कबूतर का कलर नजर आवे दस। ਇਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡਾਨ ਵੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਲਾਕੇ ਵੀ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਸਲਾਰੇ ਵੀ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਡਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਵਰਲਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ 12 ਕੁਝ ਗਾਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਘੋੜਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੱਠੀਆਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ, ਕੁੱਟੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ। ਬੈਲਾ ਸਗੂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆਪੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕੁੜ ਲੈਂਦਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਨੂਰ ਹੈ ਨਾ ਕਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਬੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕੁਛ ਕਬੂਤਰ ਫਿਰ ਕਾਲਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਲ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਮਗਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਪਹਿਚਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮੇਂ ਲੋਕ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਬਰੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਚੇ ਰਾਣੇ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਬਟੇਰੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅਸਾਂ ਕਬੂਤਰ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਧਾਏ ਨੇ, ਸਾਰੀ।
वो कह रहे हैं कि 50 साल तकरीबन ये पुरानी जो है ना ये ब्रीड है। ए इथे ल्यांदे ने सही है यानी समझ लो कि इने तो जेड़े ना अगर 10 पीस ने ना इथे तो 20 पीस घर ने ठीक है ਕਿ ਪੱਠਿਆਂ ਚੋਂ ਨੇ ਆ ਹਾਂ ਕੋਰੇ ਪੱਠਿਆਂ ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਡੇਰੇ ਵੱਡੇ ਟੁੱਟੇ ਦੇ ਉਹ ਘਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਦੇ ਲੈਨੇ ਆ ਟੈਡੀਆਂ ਦਾ ਦੇ ਲੈਨੇ ਆ ਵਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇ ਲੈਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇ ਲੈਨੇ ਆ ਗੋਲਡਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹਦੋਰਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਖਿਆਂ ਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਜੋ ਟੱਚ ਦੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਰੀ ਜਾਣਾ ਨੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਇਹ ਖੁਦ ਆਪੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਪਰ ਕੁੰਦਾ ਹੱਡੀ ਜੋੜ 100% ਹੀ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਖਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਤਾਜੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਨੇ 3-4 ਐਮ ਆਪਣੇ ਬਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਹਕੀਮ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਚੰਦੋ ਬਰੀਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਦੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੇਟ 2017-18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਡੀ ਹੈ ਔਰ ਲੱਗੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਵੀ ਰਾਤ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਚੰਦੋ ਬਰੀਡ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਬਟੇਰੀ ਸੀ ਮਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਟੇਰਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਸੰਵਰ ਗਏ ਨੇ ਬਟੇਰੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਉਹ ਮੜ ਗਏ ਦੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦੋ ਮਾਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਾਲ ਅੱਖ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਜੈਨੂਇਨ ਬਟੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਬਟੇਰੇ ਦਾ ਅਤੇ ਗੋਲਡਨ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਲਾਇਆ ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਬਟੇਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਚੰਦੋ ਅਤੇ ਬਟੇਰਾ ਬਰੀਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੈਨੂਇਨ ਠੀਕ ਅੱਗੇ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਭਰਾ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਲਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖੋ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਪੇ ਦੱਸ ਦੇ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਚੰਦੋ ਅਤੇ ਬਟੇਰੇ ਦਾ ਕਰਾਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੱਸ ਆਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੱਧਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਾਖ ਦਾ ਅੱਖ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਦੇ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਪਿਆ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੇਜ਼ ਇਹਦੀ ਮੱਧਮ ਅੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਠਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜੈਨੂਇਨ ਕਰ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਮਾਰੇ ਮਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ
धुप चोना फिर अख लाल कर जानी जे अंदर रहन दे साइज रहन दे घर फिर मैली अख रहन ठीक है असलां दी अख जड़ी ना होवे ठीक हो गए अपनी असल दी तरफ जाना चला गया दसवीं का नामी का लगा बैठा ये ठीक है बॉडी वाइज बहुत अच्छे कबूतर ने जी बेहतरीन माशाल्लाह तुहानू खाने चूहे भी दो भाई ने अच्छा भी ना जी ने नहीं अलग है सियालकोट ने भी पुरानी बड़ी है साले का ठीक है दोस्तों ये सियालकोटी चूहे कबूतर ने वो शो करो साड़ियां छतां ते होना बहुत जरूरी है क्योंकि ए सियालकोट दे मौसम दे हिसाब नाल ना क्योंकि जो गोल्डन ने या कसूरी ने मगर ने बने ने कबूतर कसूर वाली साइड वास्ते उ आबो हवा च सियालकोट की आबो हवा च बहुत ज्यादा फर्क है वो कबूतर जो असं लैके आने ना परवाजा भी बहुत अच्छी उन्होंने वापसी भी बहुत अच्छी ने लेकिन जो इतने मौसम गड़बड़ेशन करता है ना फिर कबूतर की वापसी घट जाती है जो असं उन्होंने कबूतर इन्ना च पाने ना साढ़े कबूतर 100% फिर जरा रिजल्ट देते हैं हूं चूहा कबूतर है वह भी पाई है जरा पहला आया ठीक है समय चूहे पट्ठे का गोल्डन नहीं मादी 503 वह बच्चा जरा आया चेक कर यानी हर टैडी कबूतर भी अच्छा नहीं होंदा हर गोल्डन कबूतर भी अच्छा नहीं होंदा बनावटी कबूतर बहुत ज्यादा लोगों बनाए ने हर सियालकोटी कबूतर भी अच्छा नहीं होंदा साडे कोल साडे खुडे दे विच ओही कबूतर होना जिन्ना जनमन आपी परफॉर्मेंस करनी है पर उन्होंने फिर अगू असा अगे ला के पड़कों का कराए छना बाहर दो तीन दिन हो लिया घरों बड़ा अच्छा बैलेंस बहुत अच्छा बने इंशाल्लाह उम्मीद है बेहतरीन रिजल्ट होगा गोल्डन और चूहे का ग्राफ ठीक है दोस्तों ये गोल्डन और गोल्डन ते चूहा दोनों का लेना वो मिला के बड़ा हो गया
सामने नहीं बने हाथ सही बने तो दोस्तों मलक साहब का शौक भी आपने देखा, कारकर्दगी के हवाले से भी बातें हुई, बड़ा खूबसूरत माहौल है। मैं एक दफ़ा फिर अगर मेरा कैमरामैन पीछे से हट के आपको इस डेरे के बड़ा हमने ये ज़मीन पे बैठे हुए हैं और मुझे भी खुशी हो रही है। आगे हमने जो शहजादा है अनमोल ग्रुप का, मैं उसे शहजादा कहूँगा, खलीफा मलक हसन अवान, और आज तश्नगी ये है कि वो भाई हमें मौजूद नहीं है। बड़ी खुशी होती, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है जिस वक्त उसने अपना नया डेरा बनाया था तो मैं वहाँ गया, हमने उसका विजिट भी किया। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मलक बरादरी का ये सपूत किसी वक्त किसी फार्मेशन में आए तो हमें दोबारा मौका मिले। तो इस दफ़ा मैं दोस्तों समझता हूँ कि वो उन चंद खुश नसीबों में से है कि एक ही सीज़न में इतनी लातादाद कामयाबियाँ। ये दोस्तों अगले जेठ की तैयारी के लिए, अभी आप देखें मलक ग्रांट अवान साहब ये बता रहे हैं कि अब ज़्यादातर स्टफ आपने देखी होगी कि आपको कसूरी हवाले से, ये अपनी एक तरह लगन है, ये नहीं कि कबूतर उनके पास नहीं है, उनके पास कसूरी कसूरी कबूतर भी बहुत अच्छे पड़े, मगर ये है कि उन्होंने जो तरकीब दी, जो कबूतरों ने उन्हें दिखाया उसी पर उन्होंने आगे काम किया और वही स्टफ जो है तो दोस्तों मलक साहब ने बड़ी अच्छी रहनुमाई की, अल्लाह पाक हमारे उस भाई को उम्र खिजरी अता करे। तो मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो हम में यहाँ मौजूद नहीं है, तो अक्सर इस तरह उर्दू का लफ्ज़ जिस वक्त आप मुकर्रमकार लिखते हैं तो अक्सर हम लिखते हैं कि फलां 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 फलां, आज वो हम में मौजूद नहीं है। तो अल्लाह पाक उसे, मेरे कहने का मकसद ये है कि वो दुबई में मुकीम है, मैं इसके लिए माजरत खा हूँ अगर मलक साहब ने ये मेरी रहनुमाई भी की है। तो बड़ा खूबसूरत माहौल है दोस्तों, मैं मलक राज अवान का, उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया का, उस्ताद राजा बाबू मुदस्सर साहब का, खलीफा हसन बाबिल्ला तारक भट्टी, तमाम दफ का इनकी जितने भी दोस्त अहबाब हैं, मैं उनका शुक्रिया। राजा वाजिद हैं, ये वो वाजिद है ना जो सियाने ना मेरे वो जहने चाहते हो तुम जरा गल करो ना, ये जो असि ना लें ना पे साढ़े इलाके के जो बंद ने शौक करदा अपना मेरे वाली छत तारिक भट्टी साहब ने, उस्ताद बिल्ला साहब ने, खलीफा मलक हसन अवान ने, राजा वाजिद साहब ने, बाकी ए साडा इलाका है जेड़ा असि उस इलाके की गल कर रहे हैं। अनमोल ग्रुप माशाल्लाह बहुत बड़ा है और जेडे दोस्तों का असं ना नहीं लै रहे वह शहर वाली साइड के दोस्त ने और वह भी साढ़े नाल शाना बशाना खड़ा होंगे ने,
लेकिन अगर असि सारे का नाम लवेंगे जिदा नाम मिस होगा नाराज होगा बाद चो मेरा नाम नदीम जट तो भी तस्करा करो जी सऊदी अरब तो मनु अच्छा सुबह रात इनफॉरमेशन दी है मलक हसन ने बड़े अच्छे शौकीन भी ने बड़ा अच्छा शौक भी कर रहे ने बाकी जो दोस्तों का नाम नहीं ला रहे वो साढ़े तो शहर वाली साइड तो ने तनाव साहब ने जितया जी जी तनाव साहब फिजिशन चाहे थे ना मराले वाले ये दोस्तों मराले का एक टूर्नामेंट था एडमराला की मैंने आगे भी हमने सुबह बात की एडमराला में भी आप देखें कि शहर सियालकोट से सियालकोट कमेटी जर निगरानी आप देखें होने वाला ये शौक अब इतना फल फूल गया है जिला सियालकोट में। सियालकोट की अगर आप बात करें तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि इनके दाद की ये रामत है इनके शौक की कि जिस तरह तमाम लोग जो हैं सियालकोट कमेटी से वो कॉपरेट कर रहे हैं तो मलक साहब के भाई हैं जो इनका गुमनाम सिपाही है बिहाइंड द स्क्रीन ये लोग होते हैं जिनकी मेहनत होती है। तारक भाई किधर ने जी तो दोस्तों मैं मलक रातवान का तमाम अनमोल ग्रुप का उस्ताद सलाउद्दीन शहरी का बिलखसूस शायद आज इनसे इंशाल्लाह हमारा तीसरा स्टेप जो है वो उनका डेरे वाली छत होगी जो छत जो है गुज़श्ता कई सालों से आप देख रहे हैं कि उस्ताद राजा बाबू मुदस्सर साहब के नाम से उड़ रही है उसने भी बड़ा शानदार परफॉर्म किया है मगर ये है के दूल्हा जो है अनमोल ग्रुप के असवई 2023 के हमारा वो परदेसी भाई खलीफा मलक हसन अवान और उन्हें रात को मेरी उससे बात हो रही थी तो उसने एक बड़ा तस्करा किया कि लाला जी वो आपने सपना उसका एक कबूतर है जेठ में सिंगल विकेट असवज में सिंगल विकेट वो कबूतर चैंपियन ठहरा है आपने हमारे साथ रहना है इंशाल्लाह सपना का शौक भी हम आपको करवाएंगे। मलक जी और कोई गल करना चाहोगे? कोई नहीं माशाल्लाह सारे इंसान कर दी ने गल जी इतों की परफॉर्मेंस है वो है कि साढ़ा चौवियां घर बाजिया तय सी चौवियां घर साढ़िया बाजिया तय सी और साढ़े नाल जरा दो दिन मिस ऐप होया कि दो कबूतर पहले दिन लगड़ बहर लै गया तीसरे दिन कबूतर 7:15 बहंदा सी पिया उल्लू लै गया लेकिन उदे बावजूद भी अल्लाह की जात ने बड़ा करम किया और कबूतर ने बड़ा साथ दिता साडा बहुत आउट क्लास परफॉर्मेंस रही है साडे जेडे मजदूर तबका सी ना कई लोग छुट्टी करते सन साडा शौक वेखन वास्ते असू दे विच असां उहनां दी छुट्टियां नहीं करवाईआं। तो मलक साहब की महसूस कर रहे हो जरा थोड़ा मैं पहला थोड़ा पता है वो कार वाला डेरा में देखे है उठे तो इतने कोई डिफरेंस महसूस कर रहे हो मेरे कार वाला ने? अच्छा बहुत ज्यादा वे अच्छा एक तो साडी कबूतरबाजी सौखी हो गई है पौड़ियां दी खेचल जिहड़ी ना मुक्की ओ मुक्की बंदे थकदे घट ने और जिहड़ा बंदा आंदा शौक कर लैंदा दूसरा इत्थे रश बहुत ज्यादा हुंदा वो पिंड सी विच बंदे आंदे ने विच नहीं आंदे जगह तो माशाल्लाह बड़ी सी बाकी जी गल दसन लगा हो दोस्त जेडे शौक वेखने वाले ना जिन्होंने कुदरती तौर पर किसी बंदे प्यार होंगे है किसी छत न प्यार होंगे वो साढ़े बंदे ना पहले छुट्टी कर लेंगे यारा शौक फिर तो वेखनी है जो ना साड़ी परफॉर्मेंस देखी ना तो उन्होंने फिर छुट्टी नहीं की उम्मीदा तो पूरा उतरे चवियां घर बाजिया सन छियां को लूज हो 18 मसा मेहनत किया एडी त्रैचडी होने के बावजूद भी मैं अपनी बड़ी खुशकिस्मती समझना असी यह जनाब सिस्टम कम बैक बहुत अच्छा होया साडा और दूसरे नंबर से जिन्हें भी टूरनामेंट सन अक्सरीयत जो 5 दिन के टूरनामेंट सन उन्होंने असी सारे वाजिया बरतरी हासिल की है अच्छे टूरनामेंटा इनाम आए हैं साढ़े तो जोड़े 3 दिन के टूरनामेंट सन उन्होंने भी
ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਹਸਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਹਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹਸਨ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਇੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਇਆ ਸਿਆਲਕੋਟ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਮੈਗਾ ਇਵੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਗਾ ਇਵੈਂਟ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਟਰੀ ਰੱਖ ਲਈ ਤਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ तमाम छत्तां जिहड़ियां ने वह चैंपियन छत्तां टोटली बहुत अच्छे लैजेंड उस्ताद लैजेंड शिकारी और अच्छी परफॉर्मेंस करने वाले बंदे उस कप दे विच मौजूद सन और उहदे विचों चैंपियन बनना एक मायना रखदा है और असी दिल दी तह गहराइयां चों मलक हसन अवान साहब नूं मुबारकबाद पेश करने कि उहनां दी छत नूं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई है और मैं ذاتی तौर पर उस्ताद सलाहुद्दीन शहरी साहब का शुक्रिया अदा करना तारक भट्टी साहब का शुक्रिया अदा करना उत्थे काका मुंडा एक जो शौक करता पे जिस तरह मेरा छोटे भाई शौक करते हैं जी काका जड़ा वे उन्हें पिछू सारा सिस्टम सांभिया वह शुक्रिया अदा करने कि उन्हें सानू इस काबिल बना दिता उन्होंने बंद ने उस्ताद हरा ने तारक भट्टी साहब ने ते अपने काका साहब ने कि असं जिहड़े पासे जाने सानू मुबारकबाद मिलदियां ने मुबारक जनाब सानू लोग दिंदे ने ते असी जनाब वो मुबारक सारिया कट्ठिया करके ते हलीफा मलक हसन साहब नू मुबारक दिंदे आ ते बहुत अच्छा जनाब वैल ना मेहरबानी आ मन कमेंट करिए आ तो दोस्तो आओ ना इधर आ जाओ इधर आओ थोड़ा जा चलो एक यादगिरी हो जाए जी मैं थोनू शेर भी एक सुना देने मौजूद है भी तो दोस्तो मैं उस्ताद मलक रहा तो वान का बिलखसूस आज मेरा दिन रात को ही ये कर रहा था बड़ी लेट नाइट तक मैं बैठा रहा कि एक तो अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से उनसे बात करनी है और दूसरा उनका शुक्रिया भी अदा करना है दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ बल्कि ये इनका एहसान है मेरे कंधों पर कि इन्होंने अपने इस फन के जरिए उस मुफक्कर इस्लाम मुसव्वर पाकिस्तान और एक अच्छी फिक्र हम में छोड़ के जाने वाली शख्सियत हज़रत डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की यादों को ताज़ा किया इनके लिए मैं तमाम मलक बरादरी का अनमोल ग्रुप का कि उन्होंने अपने नाम को इतनी तरजीह नहीं दी उन्होंने इस नाम को तरजीह दी मैं इसके लिए भी इनका शुक्रगुजार हूँ तो दोस्तों जाते जाते हम इस महफिल को मैं समझता हूँ कि इलामा इकबाल के माशाल्लाह मेरे चाचू ने मलक आजाद साहब अगे जिक्र इन्हों का होया वे तो सानू खराब करने वाले है ही ने चाचू हरी ठीक है क्योंकि जो कबूतरबाजी की लत लगी है ना तो घरों ही गाला पैदियां सन भी इन्ना कबूतरबाजी बनना है ना प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा छपाल दाल बनते हैं क्योंकि इन्होंने तो सपोर्ट चाहिए थी ना ते असी जनाब जिहड़े कबूतर तुहानू दिखाए ने बटेरे घर दे उह चाचे हरां दे पुरानी नसल इहनां सांभी है ते तुहानू पहले भी दस्सिया कि जॉइंट फैमिली उह सारा सिलसिला चलदा ही आ रहा साडे पुराना साहब इन्नी सपोर्ट होवे ते फिर मैं समझदा मेरा मतलब खुशकिस्मती है चाचियां दीआं सपोर्टां होण भरावां दीआं होण ते बड़े खुश नसीब इंसान होण तुसीं मैं समझदा कि जिन्हां नूं पूरे खानदान दी अच्छियां दोस्तां दी सपोर्ट है मलक साहब तुहानू भी बहुत बहुत मुबारक होए साडा ओ भरा बाहर बैठे है परदेस च असी ते अज उहनू बार बार याद करना है जी साडी असल च इह ना साडी वजह तू इहनां रख ले अच्छा भाई सन मेरे वड्डे इहनां दे बजुर्गां इहनां दे वाल साहब अच्छा उहनां जिंदगी दे विच मैनू कदे नहीं मसां रोकिया नहीं वे की करना की नहीं करदा पर आपणा काम काज ठीक करदे होदे ना तां नहीं मतलब जिम्मेदारी करदे ना काम कोई दिहाड़ी नहीं लाई कबूतर मैं ही रखे ने बारा जे साडे बुजुर्ग सानू अम्मा जी अब्बा जी आंदे हन ना तो उन्हें आखना चल कोई गल नहीं आपे छड हड़ेरा मसल उन्हें नहीं मैनू कदे कदे नहीं आख्या ओदी वजह तो कबूतरबाजी जिहड़ी हुण तुड़ी चल रही है तो दोस्तों अब मलक रातवान साहब के चाचाजान की बातें आपने सुनी तो मैं अख्तिताम भी मैं समझता हूँ इस अच्छी महफिल को इस अच्छी सरजमीन से इलामा इकबाल के एक शेर के साथ मैं इन दोस्तों से भी इजाज़त चाहूँगा। इलामा इकबाल ने शायद आज के नौजवान को उबारने के लिए उसने एक बहुत खूबसूरत उन्होंने एक शेर लिखा था कि नई
ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साखी, अल्लाह करे ये मट्टी उस तरह नम हो, इससे वो पौधे निकलें, इससे वो खुशबू निकले और इससे वो शाइन पैदा हो इस कौम से कि जिसका फिक्र इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमें दे के गए हैं। तो मैं मलिक साहब का, उनके बुज़ुर्गों का और बिलखसूस मेरे जो परदेसी दो भाई हैं, मलिक तारक अवान साहब हांगकांग से हैं, परदेस में बैठे हुए हैं, कोसों दूर हैं हमसे, आज बड़ा दिल था कि वो भी हमारी इस खुशी में शामिल होते। लाला जी ने कोई अदना सी कोशिश की है कि उनकी इस खुशी में अपने इन भाइयों को भी मैं शामिल कर सकूं। खलीफा मलिक हसन अवान, उन्होंने बड़ी शानदार कामयाबियां समेटी और मैं बार बार उस सपना कबूतर का तस्करा जो है वो आज मेरी जुबान पे रहेगा। बस दोस्तों, आप दोस्तों ने मेरे साथ रहना है। मलिक बिलाल अवान हांगकांग, दसो ना भाई। बड़ा अहम किरदार है परदेसी जड़े साडे बजुर्ग ने भाई ने साडा शौक जड़ा कराते ने पे, उन्होंने बेच सरे फरिस्त मलिक तारक अवान साहब ने, मलिक बिलाल अवान साहब मेरा छोटा भाई है, मलिक सजाद अवान साहब मेरे चाचू ने वड़े, तीनों माशाला हांगकांग ही होंगे ने। तो डेली उन्हें मैनू भी कबूतर का पता नहीं हों, मैनू फोन करके तो वह दसते हैं कि साडा फलाना फलाना कबूतर उड़ता पाया, फलाने इलड़ लै गया, फलाने यह मसला होया। अच्छा। तो तू कि वे यानी मेरी मेरे पिछे जानी टीचर जिस तरह होंगे भी तेरा करने बंदोबस्त तू फिर रहना, तो वो साढ़े शौक दे सारा अहम किरदार जोड़ा वे इन्हें तिना पार्टियां का, कि जो खर्चा भी करते हैं पे, सानू भी चलाते हैं पे, तो सारे सिस्टम उन्हें सामभे ने। अल्लाह की दात असी दुआगो उन्होंने वास्ते भी कि उन्होंने सेहत तंदुरुस्ती देन और उन्होंने कारोबार भी तरक्की ता फरमान। तो बाकी इतने मौजूद नहीं है, बाकी थोड़े लिए गल ठीक है कि मिस भी बड़ा करना पे उन्होंने, लेकिन तुम टेंशन ना लवो, असी इतने मौजूद ही हाँ, तुम दबा के मेहनत करो बस तो पैसे कलो थानू। तो दोस्तों, मलिक बिरादरान के लिए मलिक बिलाल, मलिक सजाद साहब, खलीफा हसन रात भाई ने ये बड़ी अच्छी एक बात की। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि शौक वही है जो अपने बच्चों के नवाले ना, आपके बच्चों के नवाले ना खाए। मलिक बिरादरी का ये शौक इनका विरासती शौक था, चाचा जी उनके हमारी महफल में मौजूद हैं और मैं समझता हूँ कि बड़ी खुशकिस्मती है इन्हें। आज का जो दौर जा रहा है, इस दौर में मैं समझता हूँ इतने बड़े शौक को पालना बड़ा मुश्किल होता है और ये उनकी बड़ी मेहरबानी है कि परदेश में बैठे, जाहिर है कि उनको अपनी एक लगन और एक जस्तजू है, वरना तो वो ये मलिक रात को कहते भाई कोई गाड़ियों का अड्डा बना लो, 10-15 गाड़ियां रख लो, ठीक है कोई प्लाजा बना लो, होता है ना। वो भी अल्लाह की करम नवाजी है इन पर, अल्लाह पाक ने इन्हें बड़ी नेमतों से नवाजा है और साथ साथ ये अपनी तफरी के लिए, ये तफरी है इनकी। और मैंने दो तीन बातें टूर्नामेंट के हवाले से मैंने बात की कि हज़रत अल्लामा इकबाल के नाम का इन्होंने टूर्नामेंट रखा और आज मैं ये ऐलान करके जा रहा हूँ कि आइंदा जिस वक्त मैं आऊँगा इंशाल्लाह तो सामने एक छोटा सा बोर्ड अवेजा होगा, अवाना दा डेरा, अवाना दा डेरा इंशाल्लाह। आज से मैं अपने दोस्तों से भी गुजारिश करूँगा कि अगर वो बिदर दरिया बिदर का तारफ़ करवाएँ तो डेरा अवानों का हवाला जो है उसमें सर फहरिस्त हो। तो मलिक साहब ने कहा लाला जी इंशाल्लाह अगली दफ़ा आप आएंगे तो इसी नाम से आप जो है इस डेरे को याद करेंगे। और इसके साथ साथ दूसरी बात मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी और मेरा ये फ़र्ज भी है, ये नहीं कि मैं इनमें तमाम दोस्त, आप मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, मेरे मोहसन भी हैं, मेरे रहनुमा भी हैं। मैं समझता हूँ हर वो अच्छी चीज़ जो मैं अपनी औलाद के लिए, अपने लिए मैं अगर पसंद करूँ तो मुझे दूसरों के लिए भी उसे पसंद करना चाहिए। मैं इनसे फिर जाते जाते ये रिक्वेस्ट करूंगा कि टूर्नामेंट आप खुद भी करवा रहे हैं, बड़े टूर्नामेंट भी हो रहे हैं, ये जो मामलात हैं आमने सामने वाले, इनसे जो है और भी ज़्यादा अगर ये इतनाब करें तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि उस्ताद मलिक रात अवान में ये एबिलिटियाँ हैं, कायदाना एबिलिटियाँ हों, इंतज़ामी अमूर के मामलात हों। दोस्तों, इस घराने का एक सियासी समाजी तलक भी है, तो ये सारी चीज़ें जिस वक्त मिक्स होती हैं तो मैं समझता हूँ कि वो गिराना फलता फूलता है। मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व ताला इनको उसी तरह इत्तफाक से रहने की तौफीक अता फरमाए और इत्तफाक में बरकत भी है। और यही एक चीज़ है
कि जो आपको जिस वक्त आप उसको यूनिक रखते हैं तो मैं समझता हूँ कि कोई भी कोई सियासी हवाला हो या कोई और हवाला हो तो दूसरी कौमें जो हैं फिर वो आप पे मुसल्लत नहीं होती। अल्लाह इन तमाम दोस्तों को खुश रखे। मलक साहब बड़ी मेहरबानी। खलीफा हसन अवान हस्ते यार छोटी जी ये क्लैपिंग कर छोड़ो जरा साड़ा। हाँ और ये हसन ये आपको ट्रिब्यूट है हमारी तरफ से छोटा सा। तो बाकी आपने एक छोटा सा हमारे जाने से पहले वहाँ एक केक होना चाहिए, ठीक है, वो केक आपने हमारे जाने तक मंगवाना है। और मलक रात अवान मैं चाहूँगा कि खुशी के इस मौका पे वो सेलिब्रेट करेंगे हमें इंशाल्लाह आपको कि वो केक काट के असवज 2023 की जो सेलिब्रेशन है वो केक काट के हम बनाएंगे। दोस्तों लाला जी को अवाना दा डेरा दरिया बिदर सियालकोट से इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं मशहूर हाँ थोड़ा लाला जी कि तुम जिदों आते हो कोई नवा तो नवा सू खताब बख्श के जाते हो तो बहुत मेहरबानी शुक्रिया। आज तो बाद इंशाल्लाह इस डेरे को जिदों भी लोग बोलेंगे अवाना का डेरा ही बोलेंगे अल्लाह के हुक्म नाल। तो यह साढ़े वास्ते खुशकिस्मती है और सानू फखर है कि असं इस घराने पैदा होए हैं जिथे वफावान के सिलसिले चलते हैं तो शुरू तो चलते आ रहे हैं नबियां पैगंबरां तो चलते आ रहे हैं तो असं उस घराने के नाल तलक रखने और इंशाल्लाह इंशाल्लाह असं कोशिश करा कि जिस तरह लाले रान के है उन जी सेम टू सेम उन जी इंशाल्लाह इतने बोर्ड भी लगेगा ते असी भी जड़ा ना, मैं जी 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 बिल्कुल जरूर बहुत ज्यादा है लाला जी। पिछली दफा भी कट बैठा जी साढ़े सियालकोट कमेटी का और उन्होंने बहुत ज्यादा तब्दीली की है और इस जेठ से तुम देखोगे कि इंशाल्लाह 90% तब्दीली तो नजर आएगी माशाल्लाह। दोस्तों मैं सियालकोट कमेटी की अगर मैं समझता हूँ कि इस मौका पे ये मलक रात अवान उस कमेटी का हिस्सा भी हैं, मैं समझता हूँ कि गुज़श्ता कई सालों से आप देख रहे हैं कि बड़ा प्यार मिला उस कमेटी से मुझे और मैंने इन्हें टाइम भी दिया। ये मलक रात अवान साहब भी इस बात के गवाह हैं कि ये असवज ऐसा गुजरा है कि मैं पिछले गुज़श्ता 5-6 सालों में वो भी मेरी एक मजबूरी बनी थी कि शहर गुजरात से एक बड़ा अच्छा शौक जो है टूर्नामेंट की सूरत में सामने आया था, दूसरा सुल्तानाबाद पिजन फ्लाइंग टूर्नामेंट, वो भी हमारा परदेसी भाई। आप देखें कि परदेस में बैठे ये लोग जहाँ अपने शौक की अभियारी कर रहे हैं, एडमराला को आप देख लें, बहुत सारी बातें हैं दोस्तों मैं समझता हूँ कि जो लोगों तक पहुँचनी चाहिए। अगर खिदमत की तशरीह किसी ने देखनी है, हम ये नहीं कहते हैं, हमारी किसी पर तनकीद नहीं है कि लोग शहरों में टूर्नामेंट नहीं करवाते हैं या कप नहीं करवाते हैं, नहीं आओ, अगर खिदमत के लफ्ज की किसी ने तशरीह या डेफिनेशन देखनी है तो इन दोनों अजला में आके देखे। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इलामा इकबाल के सरजमीन से आप दोस्तों की दुआओं के साथ आप छोटी जी गल मेरी रह गई है माजरत ना करो, 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 करो। अगले दिन ना प्रोग्राम होया साडे इनाम दिते गए ने टूर्नामेंट दे हाँ जी तो उत्थे मैं लगा सी गल करन कि अज तू लाला जी 20 साल पहले ना जो असी छोटे सी ते कोई रिश्तेदार आ जाना ना घर तो असी कबूतर छुपाने होंने कि पता ना लगे क्या कबूतर बाद ने, यानी तुहानू मैं खुद अपने गुजरे वक्त तुहानू दसन लगा समीर हैदर दे वाला साहब नू देखण आ गए काले खामरे, उन्हां दी शादी होई है काले खामरे शादी हुई उन्हां दी ते उन्हां देखण आना सी ते मैं ना मैनूं पता लगा ना वी आ रहे ने ते टैलीफोन दा दौर उदों कोई नहीं सी मोबाइलां दा, मैं दौड़दा घर चला गया, घर जाके मैं कबूतर फड़ के खुड्डियां च बंद कर दिते वी उन्हां नूं इह पता ना लगे कि कबूतरबाज ने, यानी इस तरह का साढ़े मुआशरे दे विच कबूतरबाज बंदियां नूं देखिया जांदा सी कि कबूतरबाज अच्छे नहीं हुंदे और अज का दौर जो अभी देखने ना पे वो असं अल्लाह का लख शुकर अदा करने हूं कि तुम एक ऐसा नजरिया लैके चले हो कि जेडे साढ़े प्रोग्राम होंगे ने अल्लाह तो वो रसूल से असी शुरुआत करने हैं उन्होंने जिक्र तो उन्होंने पाक कलाम तो महफल करने पे हाँ बंदियां च बहन खिलाउन की सानू पहचान जी है वह सिर्फ और सिर्फ साढ़े शौक ने करवाई है, साड़ा जड़ा वे ये बैठकों च बहना साड़ा परिया दे विच बहना सानू गलबात करन दा तरीका ए सब सानू इन्हां कबूतरबाजी की वजह तो ही मिले
और असी इस टाइम ये अपने आप से फख्र महसूस करने हैं कि अल्लाह की जात ने सानू यह शौक जड़ा पैदा किया और असी अच्छिया बंदियां दे विच असी शुमार हो रहे हैं। यानी कि मैं हर वो कबूतरबाज बंदा जड़ा अच्छा शौक करता पाया। बस मेरा यही मैसेज है कि हुण घबराओ ना, हुण अल्लाह हैर करे सत्ता ही हैरान है। तुसी फख्र नाल सिर उच्चा करके कह सकते हो कि मैं कबूतरबाज हाँ। तो दोस्तों बड़ी मुफीद बातें भी हुई।